बहुत ही बेहतरीन लाजवाब की आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी। इसे अगर आपने एक बार खा लिया तो आप नॉनवेज का टेस्ट भी इसके सामने आपको फीका लगेगा, इतना ज़बरदस्त का बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 किलो कटहल ले लिया है मैंने, इसे पीसेस में कट कर लिया है और इसे धुल करके 1 घंटा पहले इसका पानी बढ़िया से सुखा दिया है। अब हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर, 2 चम्मच इसमें तेल गर्म करेंगे और इसमें हमारे कटहलों को सारे इसमें फ्राई कर लेना है, तब तक के जब तक कि इसका रंग थोड़ा सा हल्का बादामी रंग ना हो जाए, यानी थोड़ा हल्का हल्का फ्राई हो जाए तब तक के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपनी फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, 1 से 2 लोगों को एटलीस्ट। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका है और भून चुका है 4 से 5 मिनट में, तो ये परफेक्ट भून चुका है। तो अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे, तेल को हम बाद में इसकी ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम कुकर रखते हैं गैस पर और इसमें लगाएंगे हम तड़का। यहाँ पर 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, इसमें कुछ खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच ज़ीरा और इसी के साथ 1 बड़ी इलायची, 1 काली इलायची, 1 हरी इलायची और इसी के साथ थोड़ा सा दालचीनी और 1 सूखी लाल मिर्ची। इसे गर्म करने के बाद इसमें मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज को एकदम बारीक सा कट कर ली हूँ, या फिर आप चॉपर में भी डाल करके चॉप कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए बढ़िया सा इस पर कलर आ चुका है प्याज का। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, टमाटर को काट करके बारीक बारीक, इन्हें भी हमें सॉटे करना है। अगर टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें अगर नमक डाल देंगे तो ये हमारा सब्ज़ी जो है बहुत ही जल्दी, टमाटर जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी हमारा काम आसान हो जाएगा और हमारी सब्ज़ी जल्दी बनकर तैयार होगी। इसके बाद यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ यहाँ पर कुछ सूखे मसाले, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसी के साथ 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ज़ीरा और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन्हें 2 चम्मच पानी डाल करके बढ़िया से इन्हें भून लेना है मसालों को। काली मिर्च आप ज़रूर डालें, इसे बहुत ही इन्हेंस कर देता है हमारे कटहल की सब्ज़ी को ये। तो यहाँ पर हमने जो कटहल को फ्राई करके रखा था उसे हम डाल करके खूब बढ़िया से इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक के भून लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए हमारा काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम 3 हरी मिर्ची बीच में से कटे हुए डालेंगे और इसी के साथ यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया पत्ती और यहाँ पर 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल देना है, यहाँ पर अच्छे से मिला लेना है। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सालन नहीं चाहिए। तो आप चाहें तो, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप 1/2 गिलास पानी और डाल करके इसे 2 सीटी मीडियम फ्लेम पर पका लें। और 2 सीटी लगने के बाद यानी 4 से 5 मिनट के बाद आप अगर आप खोल करके देखेंगे, ये देखिए हमारा लाजवाब का कटहल की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो चुकी है। सच में ऐसा टेस्ट आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी कटहल की, एक बार ज़रूर बना करके देखें। आपके सामने चिकन भी रखा होगा तो आपको ये ज़्यादा पसंद आएगा, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा इन्हेंस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो और एक बार ज़रूर इस तरीके से आप बना करके देखें। इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं और जो हमने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर यूज़ किया था उसकी वजह से इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव आ गया है। तो आप एक बार ज़रूर बना करके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। आपके 1-1 लाइक से हमारी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और इसी